नमस्कार दोस्तों, हरियाणा फर्स्ट के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चुनाव के इस मौसम में जो सबसे बड़ी चर्चा है वो चर्चा रहती है कि फला क्षेत्र से कौन प्रत्याशी होगा। तो बीजेपी ने अपने 8 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और अब पूरे प्रदेश की निगाहें कांग्रेस पे लगी हुई है। गुलाम नबी आज़ाद जब पवित्र यात्रा लेकर निकले थे सब लोगों को, तो 6 सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार लगभग फाइनल कर दिए थे, लेकिन 4 सीटें अभी ऐसी हैं जिन पे कयास लगाए जा रहे हैं कि कौन उम्मीदवार होगा। और उन 4 सीटों में जो सबसे चर्चित सीट जिस पे ज़्यादा लोगों की निगाहें हैं वो सीट है सोनीपत की। सोनीपत सीट पे बीजेपी अपना उम्मीदवार खड़ा कर चुकी है बीजेपी, और वो सांसद रमेश कौशिक को उन्होंने दोबारा से उस पर भरोसा जताया है। लेकिन कांग्रेस से कौन कैंडिडेट होगा? कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं उनमें से पिछले काफ़ी समय से एक नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में चल रहा है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अब बदली हुई परिस्थितियों में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की जगह एक और नया नाम सामने आ रहा है जिससे आप लोग परिचित होंगे, लेकिन चौंक सकते हैं क्योंकि ये नया नाम है मैडम आशा हुड्डा का। देखिए क्या होता है, राजनीति में हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन कई बार हार और जीत आपकी ज़िंदगी में आपके करियर के लिए अहम साबित हो सकती हैं। और जब उन परिस्थितियों में जब रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा को हराने के लिए बीजेपी ने तगड़ी फील्डिंग लगा रखी है, ऐसी स्थितियों में अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा सोनीपत से चुनाव लड़ें और बाई दिवे दोनों जगह से या एक जगह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा हार जाएँ तो ये उनके लिए बहुत बड़ा राजनीतिक सेटबैक हो सकता है। तो इससे बचने के लिए जो कांग्रेस के रणनीतिकार हैं उन्होंने एक तो ये रास्ता निकाला है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जगह मैडम आशा हुड्डा को सोनीपत के दंगल में उतार दिया जाए। हालांकि अभी टिकट फाइनल नहीं हुई है, ये फैसला राहुल गांधी को करना है कि वहां से कौन कैंडिडेट होगा, लेकिन समीकरण ऐसे बन रहे हैं कि मैडम आशा हुड्डा जो हैं वो बेसिकली सोनीपत की रहने वाली हैं, उनका जो मायका है वहाँ के मट्टू गाँव में है, एक तरीके से वहाँ की बेटी वो हो गई हैं। और हरियाणा की राजनीति में बेटी और बटेव वाली जो चीज़ें हैं वो हमेशा मायने रखती हैं, और अक्सर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस भी शहर में जाते हैं कहीं अपनी दादी का रिश्ता निकाल लेते थे, कभी अपनी नानी का रिश्ता निकाल लेते थे, सोनीपत में तो अक्सर उनको बटेव वाला सम्मान मिलता रहा है। तो इसको देखते हुए मैडम आशा हुड्डा का नाम चल रहा है। अब मैडम आशा हुड्डा के राजनीतिक परिचय की अगर बात करें तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राजनीति को करीब से देखने वाले लोग ये जानते हैं कि पूरे 10 साल के शासनकाल में भले ही हुड्डा जी सीएम रहे हों, दीपेंद्र सांसद रहे हों, लेकिन जब कभी भी किसी कार्यकर्ता को कोई नाराज़गी हुई है या कभी किसी कार्यकर्ता को मनाने की नौबत आई है या उसे सेटिस्फाई करने की नौबत आई है तो ये सारा काम मैडम आशा हुड्डा ने ही संभाला है। दीपेंद्र का ज़्यादातर जो काम है इलेक्शन का वो आशा हुड्डा जी ही संभालती आई हैं। तो राजनीतिक रूप से जो उनके वर्कर हैं उनको पता है कि वो कितना सक्रिय हैं। और जो सोनीपत है वो पुराना रोहतक है, पुराना रोहतक के साथ साथ मैडम आशा हुड्डा लगभग वहाँ के हर वर्कर से जो हुड्डा जी के साथ जुड़ा हुआ उनसे परिचित हैं, तो उनके लिए जो समर है सोनीपत का वो एक तरीके से नया नहीं होगा। हुड्डा जी का भी बचाव रहेगा इसमें कि पिता और बेटा की बजाय मैडम आशा हुड्डा जी का ये पहला चुनाव होगा, तो इस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा सोनीपत और रोहतक दोनों जगह पर कैंपेनिंग कर सकते हैं आसानी से। और जो सोनीपत सीट है उस पर 2 बार ऐसा हुआ है कि एक बार अरविंद शर्मा वहाँ पे सांसद बने थे निर्दलीय, अब 14 में रमेश कौशिक बने, नहीं तो वहाँ पे ज़्यादातर जाट समुदाय से ही सांसद बनते हैं, जाट बहुल सीट है वो। और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो जनाधार माना जाता है वो पुराने रोहतक में माना जाता है जिसमें सोनीपत भी शामिल है, सोनीपत संसदीय क्षेत्र में। तो इन बदली हुई परिस्थितियों में सोनीपत क्षेत्र से जो सबसे प्रमुख नाम है वो मैडम आशा हुड्डा के रूप में उभर के सामने आ रहा है। हालांकि अभी कांग्रेस को ये तय करना है कि वहाँ से टिकट किसको मिलेगी, लेकिन तब तक कयास और चर्चाएँ तो जारी रहेंगी। और इन चर्चाओं में जो सबसे प्रमुख नाम है वो मैडम, अभी 2 से 4 दिन में ये क्लियर हो जाएगा कि जो सोनीपत का समर है, जो रण है, उसमें कोई महिला प्रत्याशी उतर रही हैं और वो क्या वो आशा हुड्डा जी होंगी।
अगर आचार्य हुड्डा जी वहाँ से चुनाव हो तो वास्तव में चुनाव सोनीपत का भी दिलचस्प बन जाएगा। अभी तक रोहतक और हिसार को हॉट सीट माना जा रहा है, आशा हुड्डा जी के आने के बाद सोनीपत का चुनाव भी हॉट सीट बन जाएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए हरियाणा फर्स्ट, नए समीकरण और नई चर्चाएं हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। शुक्रिया।